हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय श्री सुना ये था कि यहाँ बहुत गंदगी होती है और गंगा के अंदर बहुत कचरा रहता है, सब लोग बदबू भी आती है, और जब हम देख रहे हैं तो बहुत परिवर्तन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की सरकार ने और यहाँ के लोगों ने साथ मिलकर के अपने देश की रक्षा करनी शुरू कर दी, और इसके लिए सबको सहयोग देना होगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है, हम ईस्टर्न टेक्सास में रहते हैं। हम हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। चलिए देखिए, ये प्रवासी भारतीयों का जो दूसरा एक टोली आई हुई है, मैं इनसे बात करता हूँ। आप कुंभ को किस तरह से फील करते हैं और आज कुंभ में भी आप पहुँचे हैं, क्या कहेंगे आप? हम शुद्ध, हम लोग स्वर्ग जैसे अथी पा लिया है, क्योंकि हम लोग 200 हमारे फुल वर्ग यहाँ पर 200 साल आगे आए थे। हम उस रिलेशन अभी आ रहे हैं। हम लोग इस गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग को यहाँ आने को मौका दिया और हम लोग पूर्व लोगों को मिलने का अति दिया। आप क्या, ये हमारी पहली अनुभव है यहाँ पर इंडिया में, ये कुंभ मेला हमें बहुत अच्छा लगा। शायद ये हमारे लिए एक यादगार पल है जो हम कभी नहीं भूल सकते, और हमें यहाँ बहुत खुशी हुई। कंट्री का नाम? हम मॉरिशस से आए हैं। मॉरिशस जाके आप कुंभ के बारे में वहाँ के लोगों को पूछने, क्या महसूस करेंगे, क्या बताएंगे, कैसा लगा, अपना अनुभव कैसा? इसका अनुभव बहुत अच्छा है। हम उन लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर आए, खुद उन लोगों को ये फील करें कि यहाँ पर आकर उन लोगों को कैसा लगता है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ। जो यहाँ का जो पुलिस है, यहाँ का जो मंत्री है, हम लोगों को सपोर्ट किया, बहुत सहायता की। कितने दिन आप बनारस? और हम लोग 20 तारीख तो यहाँ पर आए और आज मेले करके यहाँ पर से दिल्ली के रवाना हो जाएंगे। ओके, मैम अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रतिमा पोआग है, मॉरिशस से, कॉडेमास पावे गांव की, फ्लक जिला की गांव है। थैंक यू। हमारे साथ जो संगम नोच पर आए प्रवासी भारतीय मॉरिशस थी, इन्होंने बताया कि मैं यहाँ आके बहुत धन्य हुई और यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की सरकार की जो व्यवस्था है, कुल मिला के जो कुंभ बसाया गया है उसे देखकर यहाँ इनको बहुत ही अनुभूति महसूस हुई और बहुत ही यहाँ की बड़ाई भी की। ईटीवी भारत से सुमित यादव, प्रयागराज।